सो गाइस आई एम नॉट इन माय प्रॉपर फुटबॉल अटायर, लेकिन आपको पता है मैं फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए, गोल पोस्ट है यहाँ पे, मैं वहाँ से शॉट लूँगा, ठीक है? त्यागी जाएगा नहीं जाएगा कैमरे के पीछे? त्यागी त्यागी तुझे क्या लगता है, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, चला जाएगा। त्यागी का मेरे भरोसा है यार, चला जाएगा। अभी इसको मैं डिसअपॉइंट करता हूँ। कोई फेल हो गया भाई, तू फेल हो गया। एक करेंगे लेफ्ट से, भाई गोल ही लाना नहीं होता, ये हिल गया तो मतलब नहीं मान जाएगा। सो गाइज राइट नाउ आई एम इन साइबर हब इन गुड़गांव, और मेरे पीछे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द बिल्डिंग आई यूज टू वर्क इन, बिल्कुल मेरे पीछे है। बहुत सारी मेमोरीज वापस आ गई उसे देख के। आई वॉज वर्किंग एट EY, और त्यागी भी मेरे साथ है। त्यागी खा रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं मेरी बिल्डिंग, KFC के पॉपकॉर्न वहाँ पे। और त्यागी बिल्डिंग में आ गए हैं, वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरी बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी है भाई, त्यागी की बिल्डिंग छोटी सी थी। पेड प्रमोशन, मजाक नहीं कर रहा। वैसे मैं देख रहा था ऑफिस के लोगों को, काफ़ी सारे मेरे को दिखे, तो काफ़ी सारी यादें ताज़ा हुई। याद आया कि हम भी कभी इसी क्राउड के एक बंदे थे भाई। यहीं पे ना नीचे नीचे यहीं पे साइबर ग्रीन्स हैं, तो मैं और मोहित, मतलब आमने सामने बिल्डिंग है, मेजरली जाकर कभी कभी यहाँ पे वो खाते हैं, चिकन चिकन और रोटी, बटर चिकन और नान भाई फाड़। और ऑफिस में मैं अपने ऑफिस में तो मैं पूरा फिटनेस वाला बंदा था, तो त्यागी के साथ चुपके चुपके खाता था, क्योंकि वो भी दिखाना ना कि फिटनेस वाला बंदा हूँ। मैं ऑफिस को ऐसे मिस नहीं करता, बट हाँ मेरे इतने भी फ्रेंड्स थे और जितनी भी मेमरीज थी, 2 साल मैंने अपने इन बिल्डिंगों में बिताए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी मेमोरीज। 9 घंटे सेम काम करना पड़ता है, काम को बिल्कुल मैं मिस नहीं करता, बट बकचोदिया अंधी करी है हमने, बहुत नेक्स्ट लेवल मस्तियां करी है, मतलब बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं, और मतलब अच्छी मेमोरीज है, मतलब पूरी 24/7 भी खुल गया वहां पे, पूरी लाइफ एंजॉय करो 24/7 पहले से बैठे वहां पे हैं। हां पहले से, मतलब हमारे मेरे लास्ट के टाइम पे खुल गया था, बहुत बहुत पहले वहां से। सही है भाई, तो बढ़िया हिसाब है। प्लस मेरे जो कंपनी थी वहां पे लड़कियां भी फाड़ फाड़ आती थी, तो मतलब बढ़िया था एनवायरनमेंट, मतलब बढ़िया बढ़िया एनवायरनमेंट था। मैं और बसरा कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं दिल्ली चाट। अबे चल, हम जा रहे हैं जोकर मूवी देखने, ऑल दो वी आर वेरी लेट, और मतलब मूवी देखने में भी लेट है और वैसे भी लेट है मूवी। कितना टाइम हो गया है? चाबी कहाँ है भाई? क्या चल क्या रहा है? चाबी कहाँ है? निकल उधर बैठ ना, बैठते हैं भाई, तू गाड़ी तो निकाल। निकाल रहा हूँ भाई। सो गाइस मैंने जो मूवी के रिव्यू सुने हैं, क्योंकि मूवी को आए हुए 2 हफ्ते तो हो गए ना, 2 हफ्ते हो गए, 2 अक्टूबर को आई थी भाई, तो जो मैंने रिव्यू सुने, मैंने सुना बहुत ही सैड और मतलब वैसी मूवी है, थोड़ी सी मतलब डिप्रेसिंग टाइप मूवी, मेरे को ऐसा सुना, मतलब मैंने जो रिव्यूज पढ़े, तो मतलब ऐसा कोई एंटरटेनिंग वो एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहे हम, तो मतलब बढ़िया है। और अब मूवी जो है वो मतलब ऐसा है कि इंटेलिजेंट लोग जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा है, तो हमें जबरदस्ती जाना काफी पसंद है, हमें करनी पड़ेगी। बट नहीं 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 नहीं, बट मोहित देखने जा रहा है, अब आप देख लो भाई। नहीं, अब हमें तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे हमें पसंद ना भी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे अबे तेरे को समझ ही नहीं आई भाई, कैसा बेवकूफ आदमी है, करना पड़ता है। ये बंदा, इसको मैंने बोला भाई जोकर देखने चल रहे हैं, कहता अच्छा भाई देखते हैं, पहले बंदे ने रिव्यूज वगैरह चेक करे भाई, रिव्यूज भी चेक करे, वो मैंने ऑनलाइन ऐसे दिख जाते कुछ नहीं कुछ नहीं, तो कहता भाई जाना है नहीं जाना है, ठीक ठीक लगा ले यार। अबे नहीं, मैंने वो पता नहीं किसी की वीडियो में देखा था, कह रहा था कि मतलब ऐसी मूवी है 2-3 बार देख के अच्छे समझ आएगी, एक बंदे ने रिव्यू दिया था भाई। इंटरस्टेलर कितनी बार देखी तूने? इंटरस्टेलर तो मैंने देखी नहीं। चल भाई बढ़िया। इंटरस्टेलर कौन सी मूवी है? मेरे को याद नहीं आ रही, देखी होगी क्या पता, ऐसे याद नहीं है। देखता मूवीज भाई मैं काफी, वैसे मेरे को मतलब वैसी मूवीज पसंद है जो रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, रियल स्टोरीज। आप लोगों ने, जिसने लोन सर्वाइवर देखी हो अगर, तो देखी है ना? मैंने देखी। लोन सर्वाइवर मूवी देखो, बेस्ट मूवी है, वॉर रिलेटेड है, बहुत बढ़िया मूवी है। मैं रियल लाइफ वॉर मूवीज देखना बहुत पसंद करता हूँ, रियल लाइफ पे जो बेस्ड होती है स्टोरीज पे। तो बाकी हिसाब बढ़िया, हम हो रहे हैं लेट, तो कैमरा रख दे भाई, बहुत लेट हो रहा है। सो गाइस डन विद द मूवी, और अब रिव्यू का टाइम है, और जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मैंने रिव्यूज देखे थे ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी है भाई, 2-3 बार देखनी पड़ेगी, ऐसे समझने वाला कुछ था नहीं, बट हाँ थोड़ी सी डार्क और डिप्रेसिंग मूवी थी, मतलब उसका डिप्रेशन से कैसे वो गुजरना होता है वो दिखाया। तो बस आपको ऐसे लगी, आई एम श्योर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि दिक्कत पता क्या, ये मैंने पहली बार देखा, ये ना हम रीटेक
ले रहे हैं, पहले पहले वाली टेक में मैंने यही बात इसको बोली तो बंदा कहता नहीं भाई इतना मत बोल ऐसे। भाई मेरे को लगा जोक सही था, मैं इसको बोल लेता हूं हद हो गई भाई, जोक सही था ना, तो मैंने कहा मैं फिल्म वाले, अब तू वो वाला डाल। नहीं नहीं, एक चीज में क्या बोल रहा था, सो गाइस इट्स टाइम फॉर रिव्यू। भाई कैसी लगी? भाई मेरे को तो पता ही था अच्छी है, तेरे को समझ में आई नहीं आई? अबे ओए भाई ये मत बोल रहा है। चले, ये मैंने पहली बार देखा किसी मूवी में, इंग्लिश मूवी में हिंदी में सबटाइटल्स लिखे आ रहे थे, है ना? हाँ, ये पहले देखा तूने कभी? अबे तो वो क्राउड के हिसाब से होता है ना। अब इट्स टाइम गाना सेट कर रहे हैं अपना। और बात यह है कि आपको गाना ऐसे सेट करना है कि जब बिल्कुल कोरस आए वो आपके रैप पे आए, क्योंकि कोरस अगर पहले आ गया और आपके रैप अभी तक परफॉर्म अप करने नहीं आया हो तो भसड़ जाता है, मतलब मैच करना चाहिए, तो ये भी एक टास्क होता है। तो डिवाइन का सॉन्ग ऑब्वियसली। नो, झूठ बोल रहा है ये, पूजा डिंचैक के गाने से। संदी उल्टा घूमो, उल्टा घूमो, नेक्स्ट स्टेप गो, गुड फॉर्म। सो गाइज, पिछले दो ढाई हफ्ते से एवरी डे आफ्टर जिम आई एम प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल भी ऐसा मतलब मजाक वाला नहीं, इट्स प्रॉपर लाइक डेढ़ घंटे का इंटेंस मैच। एंड उसका नतीजा ये है कि मेरा स्टैमिना हैज गॉन अप फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब ट्वाइस भी नहीं बोल सकता, 4-5 times मेरा स्टैमिना बढ़ा है, एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज स्टैमिना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिटनेस। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैमिना के लिए वर्क नहीं करते, जिम जाते हैं, एवरी वन इज वर्किंग फॉर स्ट्रेंथ, बट स्टैमिना इज अ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। एंड मेरा बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, आई कैन से दैट, क्योंकि मैं और ज्यादा भाग पा रहा हूँ, और स्पीड से भाग पा रहा हूँ, और ज्यादा देर तक भाग पा रहा हूँ, थकता नहीं हूँ। पहले मैं डेढ़ घंटे में आधा घंटा होता था तो मैं थक जाता था, बट अभी थकान नहीं हो रही है। बट ऑन अ डाउन साइड मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि मेरी बॉडी यूजुअली सोर रहती है, मतलब मेरी बॉडी को इतना ज्यादा रेस्ट नहीं मिल रहा, एंड आई कैन फील दैट मेरे पैर यूजुअली सोर रहते हैं, क्योंकि जिम में भी मैं स्क्वाट्स वगैरह मार रहा हूँ, डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, लेग प्रेस, लंजेस वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद फुटबॉल, दैट्स टू मच। बट सच बोलूं आई एम लविंग इट, बहुत ज्यादा बॉडी को मतलब तोड़ रहा हूँ, एंड मतलब प्रैक्टिकली इट्स नॉट गुड, आपको रेस्ट भी देना चाहिए, बट ऑनेस्टली बोलूं तो आई एम लविंग इट, मजा आ रहा है, बहुत टाइम बाद बहुत ज्यादा फिट भी फील हो रहा है और फन है, मतलब बढ़िया है। सो गाइज, अभी हम देखेंगे कि कौन सी शर्ट पहनी जाए, और यहाँ पे मेरी कुछ शर्ट्स पड़ी हैं, ये वो वाली है अगर आपको याद हो जो मैंने बर्थडे में पहनी थी, बट इसका मटेरियल थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए मैं आज प्रेफर नहीं करूँगा पहनना, क्योंकि दिल्ली में अभी इतना प्लेजेंट नहीं हुआ है मौसम, ऑल दो धीरे धीरे बेटर हो रहा है। और ये तीन शर्ट्स जो हैं ये मैं ऑफिस टाइम पे पहना करता था, और हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल ही फॉर्मल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जैसे ऐसी कैजुअल भी चल जाती थी। सो कौन सी पहनी जाए, आई लाइक द ग्रे वन, मुझे बहुत पसंद थी, बट आज हम इसके साथ जाते हैं, नहीं ग्रे चल इसी के साथ ही आते। सो गाइस, हियर इज द शर्ट एंड दिस इज हाउ आई लुक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और एक बात मेरे को आपसे करनी है, एंड दैट इज कि आप जब भी शर्ट पहनते हो तो उसके नीचे ऑलवेज वेयर अ वेस्ट, क्योंकि शर्ट का जो मटेरियल होता है दैट विल स्टिक टू योर बॉडी अगर आपको थोड़ा सा भी स्वेट आएगा तो, एंड इट डजंट रियली लुक नाइस। एंड अगर आप टी शर्ट पहनते हो, ठीक है, उसके नीचे वेस्ट मत पहना करो, क्योंकि टी शर्ट का मटीरियल यूजली जो होता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है,
प्लस उससे बड़ा फैक्टर जो मेरे लिए है दैट इज कि आप राउंड नेक अगर टी शर्ट पहनते हो तो उसके साइड से आपकी वेस्ट की वो दिख रही होती है लाइन, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगती, मतलब बेकार लगती है, मतलब समझ जाओ ठीक है। एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले घर से निकलने से पहले एक छोटी सी चीज रह गई है, दैट इज टू वेयर माई परफ्यूम। एंड यहाँ पे मेरे पास है मिस्टर वंडरफुल फ्रॉम बॉडी क्यूपिड, और लेटली मैं डिओड्रेंट से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करने लग गया हूँ क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा देर लास्ट करती है रादर देन अ डिओ। सो थोड़ा सा इसको 1, 2, 3, 4, 5 और पीछे 6, एंड बहुत ही बढ़िया खुशबू है। सो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मैंने लास्ट मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, रिकमेंडेड बाय मोहित बेस। मैंने सोचा था मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, एक मैंने सोचा था मैं वहीं जा के आपको बताऊंगा, बट हो गया बहुत बड़ा भसड़, क्योंकि मोहित बिश की लाइफ है भसड़ होना तो बनता है, साथ में बाय द वे तन्वी है, और आज पैसिफिक मॉल में आए हम, बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा ट्रैफिक है अभी, पता नहीं पीछे पीछे भी देखो अंधी गाड़ी, मेरे को नहीं पता आप ढंग से देख पा रहे हो कि नहीं, पर मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक है, मतलब इसकी पार्किंग वाले एरिया में ही पिछले आधा घंटा हो गया ना, आधे घंटे से पार्किंग वाले एरिया में फंसे हुए, दैट इज अ बिग डील। ऊपर से रोड में अलग ट्रैफिक, क्योंकि दिवाली से पहले वाला लास्ट वीकेंड है तो लोग सारे बाहर निकले गिफ्ट्स वगैरह खरीदने, और बिल्कुल गलत दिन चूज किया गया है, और इकट्ठा हो गया गलत वाला। तन्वी आपका क्या कहना है, क्या बात होगी यार, मैं समझ सकता हूँ गाड़ी चला रहे हो और मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा ड्राइव करने का तो यार, लेकिन फिर आप ड्राइवर भी तो ना मेरे पर्सनल, शट अप, तो पीछे बैठो जाके, पीछे नहीं फिर आगे से व्लॉग करते हो ऐसे सही लगता ना, आप पैसे ले लेना, जितने उबर में देता हूँ उतना ही दूंगा, गाड़ी देख रहे हो बकवास कर रहे हो, उबर में, उबर में आते हैं वैगनार में, तो उबर में लग्जरी वाला सिलेक्ट करता हूँ, सबसे महंगी वाली कैब में आता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, पूल करके जाता हूँ, आजकल तो उबर बाइक्स भी है ना, उस पे जाते हैं, हाँ भैया को बोलता हूँ पीछे बैठ जाओ मैं चलाता हूँ, मेरे को पैसे दे देना आप। रिकॉर्डिंग ऑन है, इज इट ऑन? सो गाइस वी आर इन चिलीज इन पैसिफिक मॉल, और चिलीज मैं दूसरे वाली ब्रांच में गया था, कहाँ पे इसकी सिलेक्ट सिटी वॉक पे गया था जब मैं कॉलेज में था, मुझे खाना बहुत पसंद आया था, तो अब मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ पैसिफिक मॉल में, क्योंकि घर के पास है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बाद भूख लग रही है गलत, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास है, दिस इज़ केजुन चिकन बर्गर, लुक्स डिलिशियस, और इसको हम इसकी बाइट लेंगे, दिस इज़ चिकन इन बिटवीन, डिलिशियस, और दिस इज चिकन क्रिस्पर्स, इसका हम ऐसे भी करेंगे, बराबर, बट वेरी टेस्टी, वेरी सॉफ्ट, और साथ में हमें भुट्टा भी दिया, देखो भुट्टा भाई, जितने भी बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे ना एक्स्ट्रा चीज़ें दे देते हैं, हमने मंगवाए ये हैं, तो फ्राइज़ और ये दे देंगे और सबका मिला के प्राइस हमें चार्ज करते हैं, तो दे आर वेरी स्मार्ट, बट कोई नहीं, द फूड इज़ वेरी गुड, एंड द मेन थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी दैट्स द पिज्ज़ा, इसके ऊपर सारा चिकन है, I can say that 10 on 10 for the food. Food बहुत amazing है, अगर आपको अच्छा खाना खाना है मतलब बढ़िया वाला मज़ेदार वाला, come to Chili's और भाई यार खाने दो। एंड मैं एक चीज़ के बारे में बताना भूल गया, that's my drink. This is fusion mocktail. और ये बड़ा फैंसी सा ग्लास है, यानी एंड दिस इज एक्चुअली वेरी टेस्टी, और एक्चुअली सारे रेस्टोरेंट्स में
स्ट्रॉ देना बंद कर दिया बिकॉज प्लास्टिक का बैन आ गया। वीडियो में स्ट्रॉ बोल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉ ही बोला था। और तन्वी ने बोला था, तन्वी कहती हाँ जी भैया जी पाइप दे दीजिए पाइप। भाई पाइप कौन बोलता है स्ट्रॉ को, भैया बड़ा वाला पाइप लेंगे उठा के, जो नल पे नहीं लगता वो लेंगे भैया।